अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर रिजवान। बेटा पिछले लेक्चर में हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 5 एस्पर्सन टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़े थे, और उसमें हम लोगों ने रोल ऑफ साइटोप्लाज्म में डेवलपमेंट पढ़ा था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट पढ़ाऊँगा, ठीक है जी। तो कोशिश है कि इसके एक्सपेरिमेंट्स आपको अच्छे से अच्छे बता सकूँ, तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह लेक्चर समझ आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो मुझे बतानी ज़रूरी है। असल में जो फेसबुक पे जो ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे मैं बहुत कम अवेलेबल होता हूँ। मैं फेसबुक असल में कम इस्तेमाल करता हूँ बेटा, तो अगर कोई सवाल पूछना हो तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। पर्सनल मैसेज पे आसानी रहती है ज़्यादा मुझे, क्योंकि ग्रुप्स पे फिर मल्टीपल मैसेज आते हैं, और शायद स्टूडेंट्स अब ग्रुप पे मैसेज भी नहीं कर सकते, उस ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेजेस, तो उसमें आसानी रहती है। दो के मैं बहुत ज़्यादा लेट रिप्लाई करता हूँ, ये मुझे पता है बेटा, उसके लिए बहुत माजरत, लेकिन फेसबुक पे ज़रा मुश्किल हो जाती। तो सबसे पहले मुझे ये था बताना कि मैं आपको बता दूँ, ताकि फिर कल को कोई प्रॉब्लम ना हो या आप लोग का कोई शिकायत ना हो भाई कि रिप्लाई नहीं करे, ठीक है जी। तो जो सवाल आप लोगों ने वहाँ पे पूछे वो मुझे मैसेज पे पूछ लो, कि व्हाट्सएप पे तो आसानी रहेगी, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में रोल ऑफ न्यूक्लियस एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है जी। इसको मैंने 1 घंटे के लेक्चर को, मतलब जितने भी टाइम का बने, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, ताकि वो फिर आसानी हो जाए रिकॉर्ड होने में भी, ठीक है जी। अच्छा बेटा, पिछले लेक्चर में एक चीज़ ऐसी थी जो मैं दो चीज़ ऐसी थी जो मुझे क्लियर करनी थी। सबसे पहले तो सो सॉरी बेटा, नंबर्स का मुझे कभी कभार आगे पीछे हो जाता है। अच्छा, उसमें मैंने आप लोगों को 54 आई थिंक बोल दिया था, बिल्कुल आई थिंक नहीं, बिल्कुल आई एम श्योर कि मैंने 54 सोमाइट्स बोल दिया था। 52 सोमाइट्स थे वो चिक के एम्ब्रियो के टॉपिक में, ठीक है जी, जब मैं रिव्यू करवा रहा था चिक के डेवलपमेंट ऑफ चिक का। और दूसरी चीज़ मैं आपको जो बताना भूल गया था वो ये था कि रोल ऑफ साइटोप्लाज्म में जो मैंने आपको ग्रे क्रिसेंट वाला बताया था ना बेटा एक्सपेरिमेंट, स्पीमेन साहब का, तो वो जो ग्रे क्रिसेंट है उसके बारे में अपने पास रजिस्टर्स में एक पॉइंट नोट कर लेना, कि जो ग्रे क्रिसेंट है उसमें लिख देना कि वो वहाँ डेवलप होता है, या वो वहाँ पे मौजूद होता है जहाँ उस साइड पे मौजूद होता है जो साइड अपोजिट होती है स्पर्म की एंट्री की, यानी कि स्पर्म की एंट्री की साइट ऊपर है, यानी कि स्पर्म की एंट्री जाहिर सी बात है एग के न्यूक्लियस में होती है जहाँ पे दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ होते हैं। तो स्पर्म प्लस एग का न्यूक्लियस, ठीक है जी, ऊपर, तो ये ग्रे क्रिसेंट नीचे अपोजिट साइड पर होता है, ठीक है जी। तो ये ग्रे क्रिसेंट होता है जो कि हमने पढ़ा था कि वो अगर यहाँ पे एनिमल पोल है तो जैसे यहाँ वेजिटल पोल होता है, इसी तरह वेजिटल पोल के करीब ही एनिमल पोल वो पोल होता है जहाँ पे आपका वो फ्यूजन होती है बिटवीन टू सेक्स सेल्स न्यूक्लियस न्यूक्लियसिस, ठीक है जी। और ये जो ग्रे क्रिसेंट है वो हमेशा उसके अपोजिट साइड पर होता है, ये चीज़। और दूसरी चीज़ वो सोमाइट्स वाली थी, जो इंसानों का जो सोमाइट्स है वो इतफाक है कि शुक्र है मुँह से सही निकल गए थे, 35 से 37, ठीक है जी। बेटा रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, देखो साइटोप्लाज्म का अपना रोल है, न्यूक्लियस का अपना रोल है, लेकिन बेटा बीइंग अ मेडिकल टीचर, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, आप लोगों को इन दोनों की इंपॉर्टेंस अपने अपने तौर पे सही से समझ आनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियस विदाउट साइटोप्लाज्म, नहीं यार बात नहीं जमेगी। अगर मैं बात करूँ साइटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस, बात नहीं जमेगी। क्यों? क्योंकि बेटा हर सेल में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो उसका मेन बिल्डिंग ब्लॉक भी माने जाते हैं, ठीक है जी। सेल ऑर्गेनल्स मतलब गोल्जी बॉडीज, साइटोप्लाज्म सॉरी गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वैक्यूल, ठीक है जी। तो ये सब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं, इनको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है जी। आपने पिछले लेक्चर में देखा कि रोल ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म में भी सेल डिफरेंशिएशन का काम हो रहा होता है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियस की, भाई सेल को मतलब सेल आगे जाके किस तरह फॉर्म हो, ऑर्गेनिज्म किस तरह बने, उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस क्या हो, कैसे हो, किस तरह हो, तो वो जो सारी जो चीज़ें ना बेटा, न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी तो कहते हैं भाई। देखो ना, हमारे जो सारे रिस्पॉन्सेज हैं फॉर एग्जांपल वो ब्रेन में जा रहे हैं, वो मैं बात वो नहीं करूँगा, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, अभी आप सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड को डाल के ब्रेन समझ लो, सारे रिस्पॉन्सेस ब्रेन में जा रहे हैं, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, तो ये सब चीज़ें बेटा किससे हो रही हैं, ये सब ब्रेन पे आपकी क्या हो रही हैं, ब्रेन से इनके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, इंटीग्रेशन सेंटर है, ठीक है जी। तो इसी तरह मैं बात करूँ कि भाई अगर मैं बात करूँ कि जो सेल है उसका जो कंट्रोल सेंटर है या कमांड सेंटर है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें
वो फिर साइटोप्लाज्म में जाते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो बात की चीज़ें। इतना याद कर लो कि अगर साइटोप्लाज्म का रोल है डिफरेंशिएशन में, डेवलपमेंट में, तो न्यूक्लियस का तो उससे भी ज़्यादा अहम रोल है, क्योंकि न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। ठीक है जी, ये न्यूक्लियस ही तो है जहाँ क्रोमोसोम्स होते हैं, सेल डिवीजन होती है, सारा काम। तो हाउ कम कि हम साइटोप्लाज्म की इंपॉर्टेंस पढ़ लें डेवलपमेंट में, सेल डिफरेंशिएशन में। सेल डिफरेंशिएशन याद होगा, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि जिसमें सेल्स आर असाइंड अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है जी, या फंक्शन, जो मोस्ट मेच्योर यानी कि मेच्योरेशन फेज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, बॉडी के सेल्स का। तो ये ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हम लोग रोल ऑफ न्यूक्लियस ना पढ़े डेवलपमेंट में? ठीक है जी, इसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें नोट करनी बेटा, ताकि आपको एक्सपेरिमेंट आसान हो जाए। मैं डायग्राम्स भी बनाऊंगा, मैं कुछ पॉइंट्स भी लिखवाऊंगा, पहले से पॉइंट्स लिख दिए। कभी कभार ऐसा होता है कि लेक्चर के दौरान पॉइंट्स लिख देता हूँ, तो इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, क्योंकि नेगेटिव स्टूडेंट्स बहुत जल्दी ले लेते हैं, ये स्टूडेंट्स से शिकायत है मुझे। ठीक है जी, तो नेगेटिव मतलब ओवरऑल कह रहा हूँ, ठीक है जी, तो नेगेटिव बहुत, नेगेटिव का मतलब बहुत जल्दी ज़्यादा हिम्मत हार जाते हैं, तो इसलिए शिकायत है। बाकी ऐसे कोई आप लोगों से कोई मुझे वो नहीं भाई, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, इस चीज़ को स्लिप वो नहीं लेना, क्योंकि बेटा टीचर हैं, कभी कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं जो ड्यूरिंग द लेक्चर लिख लें। ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि आप लोगों का और मेरा अपना टाइम वेस्ट ना करूं। ठीक है, अच्छा बेटा, तो क्या लिखा हुआ है, रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म, हम लोग जैसे पढ़ेंगे ना बेटा, यहाँ पे पहले से कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग। एक एल्गी है जिसका नाम है एसिटाबुलेरिया। ठीक है जी, अच्छा अब एल्गी क्या होते हैं बेटा, एल्गी हम लोग पढ़ते हैं क्लास फर्स्ट ईयर एस पर सिंटेक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 7, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा प्रोटिस्टा। ठीक है जी सर, ये लोग यूनिसेलुलर भी होते हैं, कुछ कम फॉर्म्स इनकी मल्टीसेलुलर हैं, फॉर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स से बिलोंग करते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका एक प्रॉपर एक कॉमन एंसेस्टर नहीं होता। ठीक है जी, तो हम लोग अगर बात करें एल्गी की, तो ये बहुत ज़्यादा इनमें मतलब इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ फॉर्म्स इनकी मल्टीसेलुलर है, वो बात की चीज़ें। हम लोग एल्गी के बारे में अलग फर्स्ट ईयर में हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, अगर मैं बात करूँ एल्गी के एक स्पीशी की, तो जिसमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में जिसका काम है, जिसमें रोल ऑफ न्यूक्लियस में जिस स्पीशी का जिक्र है, जिस ऑर्गेनिज्म का जिक्र है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम है बेटा एसिटाबुलेरिया। क्या नाम है बेटा? एसिटाबुलेरिया, जिसकी हम लोग यहाँ पे दो टाइप्स पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट में। एक ए फॉर एसिटाबुलेरिया, जगह की कमी होने की वजह से बेटा ए डॉट कर दिया। एक स्पीशी जिसका नाम है एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया, दूसरी स्पीशी का नाम है एसिटाबुलेरिया क्रेनियुलेटा। ठीक है जी, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा बेटा, बार बार इतने बड़े वर्ड्स बोलते बोलते फंबल ना हो जाए, एम और ये ए सी। ठीक है जी, ए एम तो अभी हो रहा है, ये तो मुझे और अच्छा याद हो जाएगा, क्योंकि अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और लेक्चर बनाते हुए टाइम लग जाता है। ठीक है जी, तो बस आप लोग हमारे लिए दुआ करो, हम आप लोगों के लिए दुआ करें बेटा। ठीक है जी, तो आप लोगों की आसानी के लिए अभी जैसे स्पेशली DHA ग्रुप का जो ग्रुप है, उसमें मैंने कुछ आप लोगों की 51, 52 आई थिंक सो जो पेजेस हैं बायोलॉजी के, वो ग्लॉसरी के शेयर किए, तो सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए एक असिस्टेंट को भी, एक असिस्टेंट है फीमेल, आप लोगों के लिए भी दुआ करेगा स्पेशली बेटा। मैं नहीं चाहता कि मैं ऑनलाइन क्लास बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाऊँ फॉर्मल तरीके से, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता था बेटा, स्पेशली बच्चे जो मुझे पहली क्लास से जानते हैं, तो उन असिस्टेंट के लिए भी दुआ करेगा। सारा टाइपिंग वर्क ज़्यादातर वो करती हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई के साथ साथ, तो बस दुआ है कि अल्लाह पाक सबके मामला आसान करें और हम सबको इस वायरस की सिचुएशन से खैरियत से इंशाल्लाह अल्लाह ताला बस सब मामला बस सही कर दे यार, आमीन। अल्लाह ताला हम सबको इस वायरस से बचाएं और तमाम बीमारियों से, आमीन। ठीक है जी, तो बेटा मतलब कहने का ये कि चलो वो तो काम आप लोगों के लिए हो रहा है, जितना काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ मैं बता रहा हूँ। AM हो गया और AC हो गया, AC का तो वैसे ही दौर है बेटा आजकल, वो गर्मी बहुत है, सही है। तो अच्छा, अब हम लोग उस एक्सपेरिमेंट में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। एसिटाबुलेरिया जो कि एक एल्गी है, जिसका एक और नाम है ऑल्सो कॉल्ड मरमेड वाइन ग्लास। क्या नाम है बेटा? मरमेड वाइन ग्लास, अजीब सा नाम है ना, मरमेड वाइन ग्लास। मुझे ये पॉइंट पहले पॉइंट, अच्छा मैंने यहाँ पे भंड मारा है, मैं भंड क्या है बेटा, यहाँ पे पहले पॉइंट पे लिख दिया मैंने, और प्लस ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इस पे इंटरनेट पे काफ़ी देखा, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आया कि वो क्या था। मोस्टली मैं वही चीज़ें बताता हूँ, 99.99% पूरी कोशिश होती है कि 100% से वही चीज़ें बताऊँ जितना जितना जिसके बारे में मुझे कन्फर्म होता है ड्यूरिंग द लेक्चर, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल क्लासेस में हो।
यही होता है कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे कोई भी कोई आगे पीछे कन्फ्यूजन होती है तो मैं बच्चों को कहता हूँ, मैं आपको उसको कन्फर्म करके बताऊँगा। बस ये ऐसी चीज़ थी जो मैंने इंस्टेंटली लिखवाई ताकि आप लोग भी ढूंढो। अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट से सीखता हूँ, मैं हमेशा मतलब स्टूडेंट की हैसियत से वो करता हूँ। टीचर तो चलो ठीक है अपनी जगह, लेकिन एक जाहिर सी बात है हमें भी 10 चीज़ें सीखने को मिलती हैं, सीखने का मिलता है, ज़िंदगी भर जा रही है। मरमेड डिवाइन क्लास मैंने इस पर इंटरनेट पर सर्च किया गूगल पर, क्यों कहते हैं मुझे मज़ा नहीं आया इनका क्या था कॉन्सेप्ट ना बताने का, कप लाइक स्ट्रक्चर कैसा। तो कोई अच्छा अगर सॉलिड पॉइंट मिले तो ज़रूर मुझे बताना इंशाल्लाह। तो अभी फॉर द सेक ऑफ लेक्चर आप अपने पास इसकी एग्जांपल, सॉरी इसका एक अनदर जो नेम है वो नोट कर लो, मरमेड वाइन क्लास। चलो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन क्या पता वैसे अगर सवाल आ जाए। ठीक है जी, इसका बेटा बेटा जो फाइलम है वो फाइलम है क्लोरोफाइटा। क्या नाम है बेटा? क्लोरोफाइटा। अच्छा ये यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या है? इट इज कम्पोज ऑफ वन सेल में। अभी मैंने आपको बात बताई ये एल्गी है और एल्गी मोस्टली क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं, यूकेरियोट है। अच्छा अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिज्म की, बच्चे बहुत आगे तक पढ़ लेते हैं लेकिन अगर मैं पूछता हूँ डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म तो बता नहीं पाते। ठीक है जी, सिंपल सी बात है बेटा, ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऐसी शय, ऐसी चीज़, ऐसा लिविंग थिंग, ऐसी लिविंग थिंग या ऐसा लिविंग थिंग जो भी भाई, जिससे हमें लाइफ की प्रॉपर्टीज दिखती है वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ठीक है जी, ऑर्गेनिज्म की टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ठीक है जी, तो वो होते हैं यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच आर इंटायरली कम्पोज या विच आर कम्पोज ऑफ ओनली वन सेल। मल्टी सेल्युलर विच आर कम्पोज ऑफ मल्टीपल, मतलब आप विच आर कम्पोज ऑफ मोर देन, आप कह सकते हो कि वन सेल। अब वो 2 सेल हो, 3 सेल हो, 30 लाख हो, 30 करोड़ हो, वो बात की चीज़ है। ठीक है जी, अच्छा ऑर्गेनिज्म की टाइप ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हीटोट्रॉफिक होते हैं, वो अलग बात है। ठीक है जी, ऑर्गेनिज्म की टाइप्स ऑन द बेसिस, ये देखो सारी टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ, ऑर्गेनिज्म की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, तो वो होते हैं यूकेरियोटिक, एक होते हैं प्रोकेरियोटिक। प्रोकेरियोटिक यहाँ पे प्रो से मतलब है बहुत पुराने, एंशियंट। ठीक है जी, प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिनको ट्रू न्यूक्लियस भी कहते हैं, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं फॉल्स न्यूक्लियस। तो दो ये लोग, हालांकि ये लोग यूनिसेल्युलर हैं लेकिन इनके पास जो सेल है वो अच्छा वाला है। अच्छा वाला सेल का मतलब क्या? यूकैरियोटिक, और न्यूक्लियस भी कहते हैं इनके पास, जाहिर सी बात है एक सेल एक न्यूक्लियस। ठीक है जी, लेकिन बताऊं क्या इनका, ये वाले पॉइंट पढ़ने से पहले ये पढ़ो, दे आर लार्जेस्ट सिंगल सेल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इनको इनको माना जाता है कि वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल है उनकी कैटेगरी में इनको द लार्जेस्ट माना जाता है। ठीक है जी, किनको? एसिटाबुलेरिया को, जो कि एक एल्गी है। ठीक है जी, जाइगेंटिक इन साइज, साइज बहुत बड़ा होता है इनका, मतलब एक ही सेल है, एक ही न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस इनका बहुत ज़्यादा अनयूजुअली लंबा। ठीक है जी, तो यानी कि गैर मामूली हिसाब से, आई थिंक उसको कहते हैं उर्दू में अनयूजुअली, इनका जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। ठीक है जी, सेल बड़ा, तो ये लिखा हुआ है जाइगेंटिक इन साइज। यूकेरियोटिक, ठीक है जी, यूकेरियोटिक है यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ ना ताकि एक पॉइंट बन गया। अच्छा इनके पास जो बेटा, जाहिर सी बात है ये प्लांट लाइक होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ एल्गी की डेफिनेशन। इनको हम लोग, एल्गी को हम लोग प्लांट लाइक क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोग किंगडम प्रोटोक्टिस्टा प्रोटिस्टा में पढ़ोगे, इनका एक एक कॉमन एंसेस्टर नहीं होता जो आपके जो प्रोटोक्टिस्ट है। ठीक है जी, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक, उन सब की कैटेगरीज है, सिंटेक्स बुक बोर्ड में भी अच्छी अच्छी खासी गिवेन है डिटेल में। ठीक है, तो ये लोग प्लांट लाइक होते हैं एल्गी, यानी कि इनके पास ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, ट्रू रूट, और जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो ट्रू 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 नहीं है, वेल डिफाइंड या प्रॉपरली डेवलप नहीं है। ठीक है जी, तो प्लांट नुमा आप कह सकते हो उनको। ठीक है, अच्छा इनके प्लांट नुमा है, इनके पास सेल वॉल है, यस दे हैव सेल वॉल, और सेल वॉल जो उनकी होती है वो एक पॉलीसेक्राइड से मिलकर बनी हुई होती है। सर ये पॉलीसेक्राइड क्या आ गया? मैं यहां लिख देता हूं, पॉली सेक्राइड। पॉली का मतलब मैनी, सेक्राइड का मतलब शुगर, याद आया बेटा? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 में, सेक्राइड, सेक्रॉन, शुगर, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी, पॉलीसेक्राइड वो कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन है जिसमें वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है जब वो टूटता है तो वो बहुत ज़्यादा मोनोमर्स निकालता है। ठीक है जी, ऑलिगोसेक्राइड फ्यू मोनोमर्स निकालते हैं, मोनोसेक्राइड जो मजीद हाइड्रोलिसिस से ब्रेक नहीं हो पाते। ठीक है जी, वो सिंपलेस्ट शुगर्स हैं, तो हम वो बाद में पढ़ेंगे। तो जो मेन चीज़ बताने की थी वो ये थी बेटा, जो इनकी सेल वॉल होती है वो एक पॉलीसेक्राइड पर बेस करती है, उस पॉलीसेक्राइड का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है मेनिन। क्या कहते हैं इसको बेटा? मेनिन। मनान मत बोल देना,
सही है। आप खैर वाइवा तो वो अलग चीज़ है, एमकेट अलग है, वाइवा अलग है। तो तफरी में याद कर सकते हो मन्नान। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं भी ऐसे याद करता था ताकि चीज़ें याद रह जाएँ। कभी कभार अंग्रेज़ और बहुत ज़्यादा इंग्लिश टाइप बन जाओ ना, तो खुद ही पल्ले पड़ जा, खुद ही आड़े आ जाता है। सॉरी, वो ठीक है। ठीक है जी, तो वो क्या चीज़ है बेटा? मैनन, मैनन कर लो, लेकिन MNNAN है इसकी स्पेलिंग। अच्छा, ये लोग बेटा ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक है, वही वाली बात, क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट है। प्लास्ट का मतलब होता है लिविंग, क्लोरो का मतलब है ग्रीन। दोबारा बता देता हूँ, क्लोरो का मतलब ग्रीन, प्लास्ट का मतलब लिविंग। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे बेटा इसमें एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट इसका क्या है बेटा? हमारे पास दो हमारे पास स्पीशी है एसिटाबुलेरिया की। एक है AM, दैट इज एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया, और दूसरी स्पीशी जिसका नाम है एसिटाबुलेरिया क्रेनियोलेटा, AC। AM और AC। साइंटिस्ट का नाम याद कर लो बेटा, साइंटिस्ट का नाम है हेमरलिंग। क्या नाम है बेटा? हेमरलिंग। तो अपने पास ये नोट कर लो अच्छे से। अब हम इसके एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। अच्छा, एसिटाबुलेरिया का पहले स्ट्रक्चर अपने पास लिख लो, स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाबुलेरिया। स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाब्यूलेरिया, स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाब्यूलेरिया में बेटा पहला पॉइंट आपको मैं लिखवाता हूँ। इसका जो पहला पॉइंट है वो लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ अ राइजोइड। राइजोइड क्या होता है बेटा? क्योंकि इनके पास ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, ट्रू रूट्स नहीं है, ठीक है जी। तो क्योंकि ये एसिटाबुलेरिया एक एक एल्गी है, ठीक है जी, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है लेकिन प्लांट नहीं है। तो क्या होता है बेटा, इनके पास एक राइजोइड है, ठीक है जी। इनके पास आप कह सकते हो कि एक स्टॉक है, लेकिन इनके पास एक अम्ब्रेला शेप, एक कपला, एक स्ट्रक्चर है। तो ये पूरा इनका सेटअप है। इसकी मैं अगर डायग्राम बनाऊँ तो आप लोगों को, मतलब अभी फॉर एग्जांपल, अभी मैं एक्सपेरिमेंट के हिसाब से नहीं बता रहा, अभी मैं एक डायग्राम ऐसी आपको बना के ज़रा दिखा देता हूँ इनकी, ठीक है जी। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये इनका अम्ब्रेला शेप। अभी मैं ये नहीं बता रहा कौन सी टाइप है, ये वो बात की चीज़ है, पहले सिर्फ बेसिक बता देता हूँ। ये कहलाता है इनका कप। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इनका बेटा, ये कहलाता है इनका स्टॉक। आप कह सकते हो कि ये स्टेम लाइक, ठीक है जी। अच्छा, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, ये हैं राइजोइड, जो के होते हैं रूट लाइक, ये ग्राउंड से अटैच होते हैं। बात समझ में है बेटा? तो ये है, इट कंसिस्ट ऑफ अ राइजोइड हो गया। उसके बाद है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग स्टॉक, ठीक है जी, और अम्ब्रेला शेप, इनके पास एक एक कप है, ठीक है जी। तो अपने पास नोट कर लो, इनके पास एक लॉन्ग स्टॉक है जिससे राइजोइड अटैच हुआ हुआ, कप भी, और एक अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला शेप्ड कप, ठीक है। बात समझ में आ गया बेटा? अम्ब्रेला शेप कप हो गया, अम्ब्रेला शेप्ड कप हो गया, रूट लाइक राइजोइड हो गए, लॉन्ग स्टॉक हो गई, ठीक है जी। इन्हीं की, अच्छा अगर मैं बात करूँ ना, अब जो मैंने आपको टाइप्स बताई थी बेटा, एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया और एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलेटा, AM और AC, वो किस टाइप पर डिपेंड है, वो सॉरी उनको किस बिना पे डिवाइड किया गया है, उनके जो क्लासिफिकेशन है वो किस बिना पे की गई, सर ये तो बता दें। हर क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई बेसिस होती है। बेसिस क्या है बेटा? बेस क्या है? कप का स्ट्रक्चर बेसिक है, ठीक है जी, कप का स्ट्रक्चर। एक है आपके पास एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया, याद आया? एक है आपके पास एसिटाबुलेरिया क्रेन्यूलेटा, ठीक है। इसके बराबर में लिख देना इरेगुलर, ये इरेगुलर शेप का कप है इसका, और जो इसका जो कप है बेटा वो इरेगुलर शेप का है। बेसिस ना भूलना, इसलिए बेस टॉप पे लिखी हुई है,
कप, ऑन द बेसिस ऑफ कप। तो ये जो मैंने आपको बना के दिखाया था, वो बना के दिखाया था एसिटेबुलेरिया मेडिटेरेनिया, ये रेगुलर शेप्ड है। ये क्या बेटा, रेगुलर शेप्ड है। उस ऐसे ये कप अगर इस तरह होता तो ये आप कह सकते हो कि सर ये था आपका एसिटेबुलेरिया क्रेनिएट क्रेन्यूलेटा का, ठीक है जी। अच्छा अब आते हैं इसके अगले उस पर। हाँ जी मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ, और डायग्राम क्योंकि लंबी है आपका टाइम वेस्ट ना हो तो मैं अपना लेक्चर यहाँ पे कितने मिनट्स हो गए, 20 मिनट्स हो गए। तो अगला जो आपके पास 30-40 मिनट्स है तो मैं आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझाऊँगा ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है भाई।